हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के आंकड़े में एक दिन की सबसे बड़ी उछाल, 24 घंटे में 195 मौतें और 3,900 नए केस, कुल मामले 46,000 पार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार पांव पसारते जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन में छूट के एक दिन बाद ही कोरोना वायरस के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,900 नए मामले सामने आए हैं और सर्वाधिक 195 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 46,433 हो गए हैं और कोविड-19 से अब तक 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल 46,433 केस में 32,134 एक्टिव केस हैं, वहीं 12,727 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कोरोना वायरस से अब तक सर्वाधिक 583 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। यहां अब तक महामारी से पीड़ितों की संख्या 17,589 हो गई है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से कुल 17,589 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। कोरोना के इन कुल केसों में से 14,541 केस एक्टिव हैं और 2,465 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस राज्य में अब तक सबसे अधिक 583 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना के मामले 46,000 पार हो गई है और ये आंकड़ा 46,433 पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में 3,900 नए केस और 195 मौतें दर्ज की गई है। मुंबई से जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।